पुलिस थाना बोरिज के तहत नौकरी लगवाने के नाम पर 2.25 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के पिता को जब इस ठगी का पता चला तो उसने इस संबंध में पुलिस थाना बोरिज में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना बोरिज के तहत नौकरी लगवाने के नाम पर 2.25 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के पिता को जब इस ठगी का पता चला तो उसने इस संबंध में पुलिस थाना बोरिज में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रमेश चंद निवासी गांव दरुण डाकर पट्टा तहसील बोरिज ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वर्ष 2017 में सुनील कुमार पुत्र नरेश कुमार गांव दसमाई डाकघर लदरौर तहसील बोरन जिला हमीरपुर ने उसकी बेटी को पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और कहा कि इसके लिए आपको प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2,20,000 रुपए देने होंगे। इसकी एप्स में उसने फर्जी ऑफर लेटर दे दिया। वह सुनील कुमार की जांचे में आ गया और उसने 2,20,000 रुपए सुनील कुमार के खाते में जमा करवा दिए, लेकिन बेटी को बैंक से नौकरी के संबंध में कोई भी कॉल ना आने पर उसे शक हुआ तो सुनील कुमार से पूछताछ की। इसके बाद सुनील कुमार टाल मटोल करने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में बिकते के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ने बताया कि पुलिस थाना बोरिज के तहत नौकरी लगवाने के नाम पर 2.25 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के पिता को जब इस ठगी का पता चला तो उसने इस संबंध में पुलिस थाना बोरिज में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि रमेश चंद ने बताया कि सुनील कुमार पुत्र नरेश कुमार ने उसकी बेटी को पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2,20,000 रुपए अपने खाते में जमा करवा लिए और उसके बाद पीएनबी बैंक की ओर से नकली अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया गया और कहा कि इसके बाद आपको बैंक की ओर से कॉल आएगी और बाकी की औपचारिकताओं के बारे में पता चलेगा। एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह ने कहा कि लेटर को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा समय समय पर जागरूक किया जाता है कि किसी के बहकावे में ना आए, लेकिन फिर भी ऐसे मामले पेश आने पर पुलिस विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। दो दिन पहले हमको एक शिकायत प्राप्त हुई है थाना भोरंज में, जहाँ पे कंप्लेनेंट ने एक सुनील कुमार नामक व्यक्ति जो लदरौर में रहने वाले हैं उन पे काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कहा है कि उनकी बेटी को पीएनबी बैंक में नौकरी दिलवाने के एवज़ में इस व्यक्ति ने उनसे प्रोसेस फी ली। उन्होंने 2,20,000 रुपये जो है इसके खाते में इसको ट्रांसफ़र किए हैं और इस व्यक्ति ने एक नकली अपॉइंटमेंट लेटर भी इनको दिया और कहा कि पीएनबी बैंक के तरफ से आपको एक कॉल आएगा जिससे आप इसके बाद आपको इसी बाकी औपचारिकताओं के बारे में पता चलेगा। अब इन कंप्लेनेंट ने झांसे में आकर इसको जो ये पैसा ट्रांसफ़र किया है और इसके ऊपर जो एक नकली पीएनबी बैंक की जो एक चिट्ठी भी इनको दी है उसको हमने अपने संज्ञान में लिया है और इसमें हमारी तफ्तीश जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही कुछ आगे बढ़ेगा। हालांकि हम यानी हमीरपुर पुलिस, हिमाचल पुलिस समय समय पर कहती आई है कि इस तरह के किसी भी नौकरी के झांसे में ना पड़े, पर फिर भी अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करते हैं। अगर इस तरह का इंसिडेंट आप भी आगे भी किसी व्यक्ति के संज्ञान में, किसी की नॉलेज में आता है तो हमको डायरेक्ट बताएँ। पहली बात इस इन चीज़ों का शिकार ना बने, क्योंकि कोई भी नौकरी मुफ्त में बांटना या किसी पैसे लेके नौकरी मिलना जो है ये एक कोई तरीका ही नहीं है और जो भी ये करता है वो आपको धोखाधड़ी करने के प्लान से ही करता है। इसलिए पहले तो आप इस तरह की चीज़ों से बचें और अगर इस तरह का कुछ हादसा आपके साथ होता है तो जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस को इसके बारे में सूचित करें ताकि हम इसमें आगे कार्रवाई कर सकें।